जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, आप सभी लोग OABC का रिटोटलिंग का फॉर्म फिल किए थे और उसका रिजल्ट देखने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहां पे अभी तक का जो बैक ईयर का जितनी भी आपका रिटोटलिंग था वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो पा रहा था और सभी स्टूडेंट इंडिविजुअल मेल करके अपना रिजल्ट पूछ रहे थे रिटोटलिंग का। देखिए यहाँ पे नाइलिट ने आज नया पूरा PDF ही अपलोड कर दिया है, जिसके माध्यम से आप पूरा रिजल्ट यहाँ पे अपना देख सकते हो। OABC का जो भी आपका रिजल्ट है रिटोटलिंग का, जनवरी 2020 का जो भी आपने रिटोटलिंग किया था या करवाने के लिए अप्लीकेशन डाला था, वो यहाँ पर रिजल्ट आपका पूरी तरीके से आ चुका है। अब रिजल्ट देखिए यहाँ पे किस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके इस स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं दिखेगा, ये आपका रिटोटलिंग का जो भी रिजल्ट रहेगा ये आपका कंप्लीट जो नाइलिट की मेन वेबसाइट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या मैं आपको PDF का डायरेक्ट पूरा मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपना पूरा रिजल्ट यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। स्टूडेंट यहाँ से आप पूरा हर एक का यहाँ पे देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा आपका लेवल था और आपका यहाँ पे प्रीवियस ग्रेड कौन सा था और आफ्टर यहाँ पर रिटोटलिंग का कौन सा आपका ग्रेड यहाँ पे हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से यहाँ पे आपका रिजल्ट आपको बखूबी मिल जाएगा। तो ये इसका लिंक मैं आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके अच्छे से डाउनलोड करके अपने नाम पूरा आप सर्च करके अपना चेक कर पाएंगे कि आप पास हो चुके हैं या अगेन आपका बैक लगा। अगर बैक लगा है तो आप फॉर्म कैसे फिल करोगे, इसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो में बना के रखा हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप आई बटन पे इसका मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके आप पूरा यहाँ पे अपना रिजल्ट देख सकते हो। जो भी आपका रिजल्ट रहेगा यहाँ पे आप देखने के बाद अगर बैक लगता है तो अपना फॉर्म आप फिल से यहाँ पे अगेन अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से वीडियो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।